सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम बात करते हैं कौन सा एक ऐसा स्ट्रेटजी है जिसके बेसिस पे आप इंट्राडे में ट्रेड कर सकते हो, इवन इंट्राडे में कि आप स्विंग ट्रेड भी कर सकते हो और इन्वेस्टिंग भी कर सकते हो। ये जो स्ट्रेटजी है ये एक प्रॉपर स्ट्रेटजी है जो कि आपको ट्रेंडिंग डे पे ट्रेंड को फॉलो करने में हेल्प करेगा। 100% ऑफ टाइम नहीं काम करेगा, लेकिन ये 80% से ज़्यादा टाइम काम करेगा, तो आप इसके ऊपर रिलाई कर सकते हो। आप बैक टेस्ट करके देख सकते हो। मैं आपको इस वीडियो में पूरा का पूरा इसके स्ट्रेटजी के बारे में आपको मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ कि कैसा ये स्ट्रेटजी है, कैसे ये काम करता है और क्या कब आपको इस पर ट्रेड लेना है और कब आपको ट्रेड नहीं लेना है। इसके साथ साथ अगर आपको गाइस प्लीज़ ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, नोटिफिकेशन बेल ऑन करना और कमेंट करके बताना आपको वीडियो कैसा लगा। और साथ में आपको नीचे नीचे मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, जहाँ पे आप सिंपली एक क्लिक में जाकर के आप ज्वाइन कर सकते हैं मेरे टेलीग्राम चैनल को, जहाँ पे मैं फ्री ऑफ कॉस्ट इंट्राडे में सेटअप प्रोवाइड करते हैं। तो चलो गाइस अभी फाइनली वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस देखो, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर बताना चाहता हूँ कि इसमें जो हम लोग पूरा का पूरा स्ट्रेटजी यूज करने वाले हैं इंट्राडे के लिए, हम लोग इसमें देखने वाले हैं। तो टाइम फ्रेम जो हम लोग का फर्स्ट टाइम फ्रेम हो जाएगा वो 5 मिनट का टाइम फ्रेम हो जाएगा। दूसरा अगर हम लोग बात करें तो 15 मिनट का टाइम फ्रेम हो जाएगा। तो हम लोग दो टाइम फ्रेम पे काम करने वाले हैं, 5 मिनट और 15 मिनट। तो ये हम लोग का इंट्राडे के लिए, इसलिए हम लोग इस दो टाइम फ्रेम पे काम कर रहे हैं। हम लोग डिफरेंट तरीके का यहाँ पे जाकर के कैंडलस्टिक को देखेंगे। फॉर एग्जांपल अगर आपको चार्ट के ऊपर दिखता है जब भी ये स्ट्रेटजी आपको एक्टिवेट होगा तो आपको कुछ तरीके का कैंडलस्टिक को देखना है। तो सबसे पहले हम लोग स्ट्रेटजी के ऊपर जाते हैं कि स्ट्रेटजी बेसिकली है क्या। तो इस वीडियो में हम लोग ईएमए को यूज करने वाले हैं। ईएमए कौन सा होगा वो मैं आपको आगे चल के वीडियो में बताता हूँ, लेकिन इस वीडियो में हम टोटली ईएमए। अब ईएमए बेसिकली होता क्या है? तो ईएमए का मतलब होता है एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। तो ई हो गया एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, एक सिंपल मूविंग एवरेज भी होता है, बट हम लोग इसमें ईएमए एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को यूज करने वाले हैं, जिसका जो पीरियड होगा वो मैं अभी आपको आगे जाकर बताता हूँ कि कैसे आपको उसको लगाना है और सारा कुछ मैं अभी वीडियो में आपको बताता हूँ। गाइस प्लीज वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर देना। तो देखो अभी हम लोग सबसे पहले इंडिकेटर सेक्शन में जाते हैं, बैंक निफ्टी का चार्ट खुला और इंडिकेटर सेक्शन में जाते हैं। यहाँ पे जाने के बाद हमें सर्च करना है ईएमए। तो जैसे आप ईएमए सर्च करोगे तो आपको टेक्निकल्स में आपको मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल यहाँ पे दिख जाएगा। इसको आपको चार्ट के ऊपर लगाना है। ये चार्ट के ऊपर देखोगे तो लग चुका है। अब इसका सेटिंग को आपको खोलना है। इसके सेटिंग को, सेटिंग को खोलने के बाद आपको सिंपली जो ये यहाँ पे आपको लेंथ है, लेंथ को चेंज करके यहाँ पे लेंथ को 21 कर देना है। कलर और या कलर चाहो तो आप चेंज कर सकते हो, मैं इसको बस थोड़ा बोल्ड कर रहा हूँ। अब ये देखो ईएमए चार्ट के ऊपर लग चुका है। 21 डे का ईएमए हम लोग यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। तो जिनको नहीं पता, हम लोग यहाँ पे 21 ईएमए को यूज़ करने वाले स्टार्ट में, पूरा का पूरा स्ट्रेटजी इसके ऊपर बेस्ड है। टाइम फ्रेम हम लोग सबसे पहले 5 मिनट का टाइम फ्रेम यहाँ पे रख लेते हैं चार्ट के ऊपर। तो 5 मिनट का टाइम फ्रेम लग चुका है। अभी देखो आपको चार्ट के ऊपर जब भी ये ईएमए लगे तो आपको दो कंडीशन आपको ध्यान रखना है। अगर मार्केट, फॉर एग्जांपल आपको प्रीवियस डे का मार्केट देखना है, अगर प्रीवियस डे का मार्केट एक जोन के अंदर था, ठीक है, अगर मान लो कि प्रीवियस डे का मार्केट एक रेंज के अंदर था, तो अगला दिन चांसेस होता है कि मार्केट ट्रेंडी हो जाए, ठीक है, या तो ऊपर या नीचे। अगर आपको प्रीवियस डे ट्रेंडी मार्केट दिख रहा है, लगातार 2-3 दिन आपको ट्रेंडी मार्केट दिख रहा है, तो हो सकता है कि अगला डे मार्केट साइडवेज हो जाए। तो उस केस में ये उतना अच्छा काम नहीं करेगा जितना ये ट्रेंडी मार्केट में काम करता है। अभी चलो मैं आपको यहाँ पे आज के दिन का दिखाता हूँ, जो कि आज के दिन का है, 28 तारीख है आज का डेट, ठीक है। तो अब आपको इस पर ट्रेड कैसे करना है, तो सिंपली देखो, अब ये जो ईएमए वाला स्ट्रेटजी है ये आपको सिंपली आपको ट्रेंड में, ट्रेंड के साइड में जाने में हेल्प करेगा। फॉर एग्जाम्पल आज के दिन पे प्राइस जो था ये देखोगे तो इसके नीचे यहाँ पे खुला, ठीक है, प्राइस नीचे आया, आप यहाँ पे कुछ कर नहीं सकते थे, आप थोड़ा एक वेट कर रहे थे रिट्रेसमेंट का, प्राइस का रिट्रेसमेंट हुआ, प्राइस वापस से नीचे आया, यहाँ पे डब्ल्यू बन रहा था, लेकिन आगे जाने के बाद आपको इस लेवल पे क्या दिखा, यहाँ पे एक ईएमए का रिजेक्शन दिखा। तो ईएमए इज नथिंग बट ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरह काम करता है। गिरते हुए मार्केट में ये एक रेजिस्टेंस की तरह काम करता है और बढ़ते हुए मार्केट में ये एक सपोर्ट की तरह काम करता है। तो यहाँ पे देखोगे तो आपको एक कैंडल दिखेगा, ये ग्रीन कैंडल आपने देखा, ये ग्रीन कैंडल यहाँ पे ईएमए को ब्रेक किया, लेकिन उसके बाद एक कैंडल यहाँ पे पाउज ले लिया। आपको इसी तरीके का सेटअप ढूंढना है, ठीक है, जब भी कोई इस तरीके का पाउज कैंडल आपको चार्ट के ऊपर दिखे आपको उसके लो को मार्क करना है, और जब भी इसका लो ब्रेक हो आपको यहाँ पे सेल कर देना है। स्टॉप लॉस इस कैंडल के हाई के ऊपर आपको स्टॉप लॉस लगाना है, और मिनिमम टारगेट इस केस में जो नियरेस्ट स्विंग होगा, नियरेस्ट स्विंग आपको इस एरिया के आसपास भी हो सकता है, तो मिनिमम 1:2 आपको इस केस में इजीली मिला। ये हमारा फर्स्ट पैरामीटर था। देखो दूसरा, जब भी ईएमए इसको ब्रेक करने का अप्रोच करता है, ठीक है, मान लो जैसे इस कैंडल ने इसको अप्रोच करा, सो गाइस हम लोग को दूसरा केस कौन सा मिलेगा, तो दूसरे केस में हम लोग को बेसिकली सबसे पहले देखना है कि कोई भी कैंडल ईएमए को जब ब्रेकआउट करता है, फॉर एग्जांपल प्राइस अगर नीचे था, अगर प्राइस ईएमए के पास जाता है, अगर कोई कैंडल इसके ऊपर ब्रेकआउट करता है, हम लोग इस कैंडल पे ध्यान रखना है कि कहीं ये फेकआउट का सिनेरियो तो नहीं है। अगर आप लोग को, तो अगर आप लोग यहाँ पे अगर पहले ट्रेड करते होगे ट्रेंड लाइन के बेसिस पे, तो ट्रेंड लाइन के बेस में सिंपली क्या होता था कि मान लो प्राइस जो है अगर ट्रेंड लाइन के पास जा रहा है, तो इस केस में देखो प्राइस अगर इस ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट करता है यहाँ पे,
तो क्या होता है कि अगर कोई पाउज कैंडल बन गया तो इसके बाद प्राइस बहुत तेजी से यहाँ से नीचे फॉल करता है, क्योंकि बहुत लोग यहाँ पे बाई कर चुके होते हैं और उनका स्टॉप लॉस को हिट करने के लिए प्राइस यहाँ से तेजी से फॉल करता है। सेम हम लोग को यहाँ पे भी ईएमए के केस में भी ऐसा ही देखना है कि जब भी इसका अगर ब्रेकआउट हो रहा है, देखो इस केस में अगर इसका हम लोग को ब्रेकआउट हो रहा है तो हम लोग को इसके लो को मार्क करके रखना है। जैसे ही उसका लो का फिर नीचे आएगा, मान लो प्राइस यहाँ पे ब्रेकआउट किया और उसके इसके ऊपर में बायर्स को बुला लिया, यहाँ पे प्राइस जैसे ही इसके लो को ब्रेक कर रहा है हमें यहाँ पे अगेन यहाँ पे सेल करना है, स्टॉप लॉस इसके ऊपर रखना है। टारगेट्स अगेन आपको जो नियरेस्ट स्विंग हो जाएगा वहां तक आपको टारगेट रखना है। इस तरीके से आप ईएमए के बेसिस पे ट्रेड कर सकते हो। देखो अभी ईएमए के बेसिस पे हम लोग को ब्रेकआउट ट्रेड कब करना है, तो ईएमए के बेसिस पे ब्रेकआउट ट्रेड के बारे में आपको बताता हूँ कि मान लो प्राइस जो था पहले ईएमए के नीचे था, अगर हम लोग ईएमए का बात करें तो ईएमए मान लो हमारा ऐसे चल रहा था, प्राइस पहले ईएमए के नीचे था, इसका रेजिस्टेंस लेके इसको ब्रेक किया, हमें इस केस में ब्रेकआउट पे बाई नहीं करना है, हमें वेट करना है कि प्राइस कब ईएमए का आके वापस से सपोर्ट लेता है। आइदर ईएमए के ऊपर एक हमें हैमर टाइप का कैंडल मिल जाए या फिर हमें कोई भी बुलिश कैंडल मिल जाए, या तो बुलिश इंगल्फिंग हो सकता है या फिर किसी भी टाइप का बुलिश कैंडल हो सकता है, लेकिन हमें वापस से ब्रेकआउट पे नहीं ट्रेड करना है, हमें रिटेस्ट पे वेट जाकर के ट्रेड करना है। तो जैसे कि मैं भी आपको चार्ट पे दिखाता हूँ, तो आज के दिन भी आपको दिखा होगा कि मार्केट पहले बहुत अच्छा यहाँ पे रेजिस्टेंस दिया, देखो आज के दिन भी हमें बहुत मल्टीपल यहाँ पे जाकर के एंट्रीज मिला, पहला एंट्री हमें इस केस में मिला, मैं आपको यहाँ पे चार्ट पे मार्क करके दिखाता हूँ यहाँ पे, तो थोड़ा इसको जूम आउट करते हैं देन यहाँ पे, तो देखो पहला एंट्री हमें कहाँ मिला, इस केस में मिला, दूसरा एंट्री हमें वापस यहाँ मिला, तीसरा एंट्री यहाँ मिला, फोर्थ एंट्री बहुत अच्छा सा यहाँ पे मिला, और उसके बाद फिफ्थ एंट्री हमें एक समवेयर यहाँ पे मिला। इसके बाद प्राइस का क्या हुआ, प्राइस यहाँ पे देखोगे तो प्राइस का ब्रेकआउट आया, आपको चार्ट के ऊपर दिख रहा है कि ईएमए का ब्रेकआउट आया, ठीक है। ईएमए के ब्रेकआउट के आने के बाद यहाँ पे प्राइस वापस इस पर सस्टेन नहीं कर पाया, ठीक है, यहाँ पे प्राइस नीचे आया, नीचे फॉल कर गया, उसके बाद प्राइस वापस ऊपर गया और यहाँ पे एक हैमर टाइप का कैंडल बन गया, तो हमें हैमर के ऊपर बाई करना था, सिंपली स्टॉप लॉस का नीचे, टारगेट नियरेस्ट कोई भी आपको रेजिस्टेंस एरिया था उसके आसपास आपको जाकर के टारगेट रखना था। देखो ये आज के दिन का है और मेरे लिए ईजी है आपको ईओडी मतलब एंड ऑफ द डे बताना, लेकिन अगर आप इसको फॉलो करोगे प्रॉपर तो आपको समझ में आया कि इसके बेसिस पे आपको ट्रेड कैसे लेना है। अभी देखो यहाँ पे प्राइस अगर आप बोलोगे तो यहाँ पे देखो ये प्राइस इसका ब्रेकडाउन आया, लेकिन हमें वापस यहाँ पे कहीं रिट्रेसमेंट नहीं मिला ईएमए के पास। जैसे अगर ईएमए के पास सेम ये जो कैंडल यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये अगर ईएमए के पास बनता तो हमें बहुत अच्छा ट्रेड मिलता, लेकिन ईएमए पे नहीं मिला, लेकिन हमें कहाँ एंट्री मिला यहाँ पे, तो ठीक है यहाँ पे हमें एंट्री मिला, यहाँ पे एंट्री मिला, स्टॉप लॉस हमारा यहाँ पे होता, मिनिमम टारगेट को नियरेस्ट सपोर्ट एरिया के आसपास होता, तो हमें यहाँ भी इजिली मिल चुका है। इसके पहले के दिन का भी देखोगे तो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कि मार्केट थोड़ा चौपी था, तो उस दिन हमें वो कहाँ कहाँ एंट्री मिला उसके बारे में देखते हैं। सो गाइस उसके एक दिन पहले का देखो तो मार्केट यहाँ पे खुला था, ये वाला जो कैंडल है फर्स्ट कैंडल है, इसके बाद प्राइस क्या किया कि यहाँ पे एक हैमर बनाया, प्राइस ऊपर गया और प्राइस वापस से आके यहाँ पे एक हैमर कैंडल बनाया, इसका जैसे ही हाई ब्रेक करता है हमें बाई करना था और स्टॉप लॉस हमें यहाँ पे लगाना था। चलो यहाँ पे हमें मिनिमम जो हम लोग का रेजिस्टेंस एरिया था वहाँ तक इजिली टारगेट मिल गया। इसके बाद प्राइस वापस देखो यहाँ पे फॉल करके ब्रेकडाउन किया इसको और वापस एक रिटेस्ट लिया यहाँ पे इस एरिया पे, देखो यहाँ पे एक सेल का अपॉर्चुनिटी था, स्टॉप लॉस यहाँ पे और टारगेट मिनिमम, कोई भी एक रेजिस्टेंस एरिया था यहाँ पे, प्राइस नीचे आने के बाद स्टॉप लॉस हमें हिट किया, कोई भी इशू नहीं है। इसके बाद जब प्राइस यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे ब्रेकआउट किया, प्राइस वापस यहाँ पे रिट्रेस करने आया, यहाँ पे आपको एक रेड कैंडल यहाँ पे दिख रहा होगा कि प्राइस यहाँ पे वापस से रिट्रेस करने आया, हमें सिंपली इसके हाई के ऊपर वापस से बाई करना था, स्टॉप लॉस इसके लो के नीचे हमें स्टॉप लॉस लगाना था, तो स्टॉप लॉस के लिए हमें यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाना था और टारगेट मिनिमम कोई भी रेजिस्टेंस एरिया समवेयर यहाँ तक हम लोग प्लान कर सकते थे। लेकिन अगर चार्ट पे देखोगे तो आई गेस यहाँ पे भी हमारा स्टॉप लॉस समवेयर यहाँ पे देखोगे तो स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ, बच गया हमारा, क्योंकि देखो इस केस में प्राइस जो है इसके लो के आसपास आया नहीं था, प्राइस ऊपर से यहाँ तक गया, वापस से नीचे आया, फिर जाकर के हमें टारगेट समवेयर इसके एरिया के आसपास हमें टारगेट मिला, देन अगेन प्राइस यहाँ पे नीचे आया, लेकिन यहाँ पे कोई भी इन्वर्टेड हैमर नहीं बना और प्राइस यहाँ से ऊपर चला गया, तो ये कंप्लीट साइडवेज हो गया। अगर आप मल्टीपल टाइम्स इसको देखोगे तो आपको बहुत अच्छा सा सेल के साइड में तो बहुत अच्छा सेटअप मिलेगा। अभी हम लोग उसके एक दिन पहले का देखिए प्राइस, तो प्राइस देखो कि यहाँ पे प्राइस एक रेंज के था, ब्रेकडाउन आया लेकिन कोई भी हैमर कैंडल नहीं मिला, वापस से प्राइस ऊपर गया, नीचे फॉल किया, फिर हमें जाकर के समवेयर इस एरिया पे जाके हमें एक सेल का सेटअप मिला। यहाँ पे देखो इस कैंडल के नीचे हमें सेल करना था, यहाँ पे इस कैंडल के नीचे सेल करना था, मिनिमम 1:2 प्रॉफिट, यहाँ पे हमें रेजिस्टेंस एरिया के आसपास भी ले सकते थे या फिर मिनिमम 1:2 के पीछे भी जा सकते थे। इसके बाद प्राइस वापस से यहाँ पे ईएमए पे आया, इसके लो के नीचे हमें सेल करना था, स्टॉप लॉस हमें यहाँ डालना था, प्राइस वापस से नीचे फॉल किया, देन प्राइस ऊपर से ब्रेकआउट किया, इसको नीचे रिटेस्ट करने आया लेकिन इन्वर्टेड हैमर बना, तो यहाँ पे हमें कोई भी हमें सेटअप नहीं मिला। देन उसके बाद प्राइस जाकर के नीचे गया, उसके बाद प्राइस यहाँ ऊपर गया, तो उसके बाद हमें फिर कोई भी सेटअप एंट्री यहाँ पे नहीं मिला इस दिन के अंदर में। तो होप आपको वीडियो समझ में आएगा, आपको समझ में आएगा कि कैसे आपको जाकर के इसके बेसिस पे ट्रेड करना है। तो गाइस प्लीज़ कोई भी डाउट रहे या कुछ भी रहे तो प्लीज़ कमेंट करके बताना, मैं उस पर एक वीडियो बना दूंगा। तो गाइस इस वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू गाइस वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं अगले वीडियो में।